दोस्तों यदि आपको एक कागज दिया जाए और बोला जाए कि इसे फाड़ना है तो आप बोलोगे एक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत सारे पेपर फाड़ कर ऐसे ही फेंके हैं और कभी कभी टीचर का दिया हुआ होमवर्क भी हमने यूं ही कॉपी से फाड़ करके और उसे फेंक दिया है। ये फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह कागज देंगे लेकिन आपसे फटेगा भी नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा मैजिक है जिसे आप बड़े स्टेज पे कोई भी अननोन पर्सन को दिखाइएगा, सभी सोच में पड़ जाएगा कि भैया एक कागज कैसे नहीं फटा और मैजिशियन जबकि इसे आसानी से फाड़ देता है। तो हमारे साथ है गौरव। गौरव आइएगा। तो गौरव को यह कागज देंगे और उसी से इसको फाड़ने के लिए बोलेंगे, तो क्या वह फाड़ पाता है या नहीं। तो गौरव यहाँ आइए और इस कागज को आप पकड़िए और इसे फाड़िए। ओके, तो गौरव इसे फाड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये फट नहीं रहा है। तो क्या फट गया? नहीं फटा। हालांकि पूरी कोशिश कर रहा है ये। जरा दिखाइएगा कैमरा में भी आप कि आपने क्या किया है हाल। तो नहीं फटेगा। अब हम इसे ऐसे ही पकड़ करके, और गौरव ने कोशिश तो किया है लेकिन नहीं फटा और हम इसे ऐसे ही फाड़ दिए। तो इस खेल को दिखाने के लिए कोई नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह एक जिमिक है जो कि इस टाइप का सीट आता है, आप किसी भी मैजिक शॉप से ले सकते हैं, टीयर नो टीयर के नाम से यह मिल जाएगा। मेरा खुद का मैजिक शॉप है सुमन मैजिक शॉप, वहां से भी आप किसी भी तरह का जादू का सामान ले सकते हैं। नीचे नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप जादू का सामान खरीद सकते हैं। अब देखिए इस पेपर को फाड़ने के लिए ऑडियंस को देते हैं, तो ऑडियंस कुछ यूं पकड़ता है और यहाँ पर वह फाड़ने की कोशिश करता है ऐसे। अब पूरी कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं फटता है, यहाँ पे कोशिश किया, कुछ और जगह पे भी वो कोशिश करेगा, ऐसे दबा करके भी वो कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब इसका टेक्निक क्या है फाड़ने का, सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ कि जो मैक्सिमम मैजिशियन इस्तेमाल करते हैं, कि सबसे पहले वो इस सीजर से हल्का नीचे में कटिंग कर देते हैं, हल्का सा ऐसे, हल्का सा यहाँ पे कटिंग जो कि नाम मात्र का दिखता नहीं है, यहाँ जो कटिंग है वह दिखता नहीं है। अब इसे याद रखने के लिए एक साइड वो कुछ यूँ फोल्ड कर देता है और जब भी ऑडियंस को देता है तो ऐसे पकड़ाता है, और उसके हाथ में जाने के बाद वह कुछ ऐसे ही ऊपर से ही फाड़ने की कोशिश करता है, नीचे से नहीं। अब नीचे से जब भी फाड़ेगा यहाँ से, तो जहाँ पर कैंची का चिन्ह किया गया है, मार्क किया गया है कैंची से, तो वहाँ पर ईजिली फट जाएगा। अब यहाँ पे भी हल्का चिन्ह लगा देते हैं, एक बार नहीं दो तीन बार फाड़ कर दिखाना पड़ेगा, इसलिए हल्का सा, इसे आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी यहाँ पे कट लगाया गया है। अब इसे ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से फट जाएगा, लेकिन ऑडियंस यहाँ से फाड़ा है अभी आप देखे हैं गौरव, और मैंने यहीं से कट किया है। तो यह कैसे हुआ वो समझ लीजिए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का चीज़ है। इसको फाड़ने के लिए यहाँ से ही हमने कैसे फाड़ दिया है, यहाँ जब भी ऑडियंस जब इसे खींचता है तो पेपर हो जाता है पतला, और पेपर जब पतला हो जाता है तो अपना एक नाखून ऊपर और एक नाखून नीचे रख करके, और तब इसे हम इजीली फाड़ सकते हैं, हल्का यहाँ डैमेज और कर देते हैं। जब यहाँ पतला हो गया तो यहाँ एक नाखून पकड़ेंगे और एक ऐसे, और फिर इसे यहाँ ऐसे खींचेंगे कि यह फट जाए। यहाँ देख लीजिए आप, हमने एक नाखून यहाँ रखा और एक यहाँ, और यह अभी फट गया है। तो कुछ ऐसे ही इसे फाड़ा जाता है, आपको दोनों तरीका में से जो तरीका बेटर लगता है उसे कर सकते हैं। तो बस यही टेक्निक है, एक यहाँ कट लगाने पे और एक ऑडियंस ने जहाँ से डैमेज किया है वहीं से फाड़ने पे।